तो आपका नाम एक बार बता दीजिए। चंदनगिरी स्टैंडिंग बाबा श्री पंचदश नाम जूना अखाड़ा गुरु पायलट बाबा हरिद्वार। अच्छा तो स्वामी जी, मतलब आपका जो आश्रम है वो मुख्य आश्रम कहाँ पे है? जबलपुर मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश जबलपुर से। अच्छा वहीं पे आप रहते हैं या फिर देश भर में भ्रमण करते हैं? रहते भी हैं और भ्रमण भी करते हैं। अच्छा आप रहते भी हैं और भ्रमण भी करते हैं। अच्छा तो यहाँ पे क्या आप हर साल आते हैं? जी 3 साल से मैं आ रहा हूँ। 3 साल से। अच्छा पिछले बार तो आप आए थे और हम लोग आपको कवर किए थे रात के 2 बजे, थोड़ा बहुत याद है आपको? तो पिछले साल हम स्वामी जी से बात किए थे रात के 2 बजे और इस साल भी हम बात कर रहे हैं रात नहीं दिन के 2 बजे। तो आइए स्वामी जी से मिलते हैं, क्या कहेंगे हमारे दर्शकों से? हमारे दर्शकों के लिए बस 2 शब्द। हम तो विश्व के हर व्यक्ति से यही कहेंगे कि आत्म कल्याण के लिए ध्यान करें, योगा करें और मन में शांति को प्राप्त करो। तो स्वामी जी, मतलब ये जो खंडगिरी आप 3 साल से लगातार आ रहे हैं, तो क्या मानना है खंडगिरी में ऐसा है क्या? ये खंडगिरी ये हमारे पूर्व जनों के साधु की तपो स्थली है और जहाँ तपो स्थली होती है वहाँ एक विशेष ऊर्जा होती है, इसलिए हम यहाँ खंडगिरी तपस्या करने के लिए आते हैं और जो आत्माएं यहाँ होंगी वो हमें आशीर्वाद प्रदान करती है। अच्छा तो यहाँ पे जो खंडगिरी है ये एक्चुअली में पता नहीं सदियों से ये पीठ है और यहाँ पे ऊपर जब हम जाते हैं तो बहुत सारी गुफाएं हैं। जी जी। तो आपको इसके बारे में पता है मतलब? हाँ, ये महात्मा इन गुफाओं में ध्यान करते थे। हाँ। तपस्या करते थे जी, क्योंकि ध्यान के लिए उनके हिसाब से एकांत चाहिए था और ये एकांत उस समय में ये एकांत ही था। हाँ, अभी तो थोड़ा मतलब जैसे राजधानी है कैपिटल तो चमक धमक हो गया। जी जी। तो उस समय जो है बिल्कुल एकांत था। एकांत जो है सत्संग के लिए ध्यान केंद्रित करने के लिए एक अच्छी जगह होता है। तो यहाँ पे अभी भी लोगों का ये मानना है, यहाँ पे जो उड़ीसा के जो लोग हैं इनका मानना है अभी भी यहाँ पे गुप्त में बहुत सारे साधु संत हैं जो गुफा के अंदर तपस्या रहते हैं। जी जी। क्या कहेंगे उसके बारे में? हर जगह जैसे देवभूमि उत्तराखंड, हाँ, हरिद्वार, हिमालय, सभी जगह है ऐसे तो। अच्छा अच्छा, तो आप देवभूमि आप जाते रहते हैं? बिल्कुल, हमारा तो गुरु आश्रम है हरिद्वार। हरिद्वार में नैनीताल, उत्तरकाशी, सासाराम बिहार। अच्छा क्या बात है, बहुत महायोगी पायलट बाबा आश्रम। पायलट बाबा आश्रम क्या बात है, पिछले बार भी आपने बताए थे, जिक्र किए थे पायलट बाबा जी के बारे में, तो ये बताइए कि मतलब उनका नाम पायलट बाबा क्यों है? वो 2000 कारगिल का युद्ध किया था ना उन्होंने, पहले वो फाइटर थे ना, लड़ाकू विमान उड़ाते थे। हाँ, तो उसके बाद फिर वो संन्यास ले लिए और साधु बन गए। क्या बात है, तो फिर आपके साथ उनका मतलब पहचान कैसे हुआ पहली बार? जैसे हम लोगों में बैराग्य से पहले ब्रह्मचारी बनाते हैं, फिर बैरागी बनाते हैं, फिर इसके बाद बैरागी में सफलता प्राप्त होती है तो वो सन्यास में जाता है। अच्छा, तो जब सन्यास के गुरु की खोज किया तो मैं ध्यान करता था तो मुझे उसी मार्ग का गुरु चाहिए था। अच्छा अच्छा, तो मैंने उसके पहले कभी सुना नहीं था इनका नाम अपने गुरु जी का, तो एक महात्मा जी से पता लगा अमरकंटक में, मध्य प्रदेश में आता है जहाँ से नर्मदा का उद्गम है जी, तो वहाँ पर से मुझे जानकारी लगी कि महायोगी हैं, समाधि लगाते हैं और अवार्ड है उनके पास, तो हमने कहा चलो। 2016 में उज्जैन कुंभ था, वहीं उनसे दर्शन हुआ और वहीं उनसे दीक्षा लिया। तो कहने का तात्पर्य, मैंने सोचा नहीं था कि मैं महायोगी पायलट बाबा को ही गुरु चुनूंगा, तो मैंने कभी सोचा नहीं, देखा नहीं, सुना नहीं,
अचानक मैं उनके पास पहुंच जाता हूं और मैं जो करता हूं उसी लाइन के वो गुरु थे, तो मेरा मुझे प्रब्ध खींच के ले गया वहां। अच्छा, कुछ हमारे जीवन में ऐसी बातें होती है कि जिसे हम कल्पना ना करें तो उसे क्या मान लें, वो हमारे प्रब्ध में था तो आया। पिछले जन्म का जो प्रारब्ध कर्म था इसलिए वो आपको मिला। पिछले का हो या अभी का हो, अभी का भी हो, चलिए अभी का भी हो। अच्छा अच्छा, तो मतलब जैसे आप मान रहे थे मतलब चुंबक लोहा को खींचता है वैसे आप खींचते गए। जी जी बिल्कुल। तो एक बात बस बताइए, अभी आप तो देवभूमि में बहुत सारे समय जो है बिताए हैं, अभी देवभूमि में जो हादसा हुआ जोशीमठ में, जी जी जोशीमठ में, वहाँ की सरकार जो है अपना हाथ खड़ा कर दिया और नहीं नहीं देखो मैं राजनीति में नहीं, राजनीति में नहीं, नहीं मतलब मतलब ये क्यों हुआ, ये भूचाल जो है क्यों हुआ? मैं देखो मैं एक साधक हूँ जी, ठीक है, और साधक को क्या, मैं तो हर प्राणी को यही कहूँगा कि वाद विवाद से जितना बच सके उतना बचे। अच्छा, ये आपने अच्छी बात बोली, अच्छे संदेश दिया आपने, वाद विवाद से जितना बचना जितना बच सके उतना बचे जी, और नहीं तो अपना मार्ग भूल के और इसी में उलझ जाएगा वाद विवाद में। जो आदमी पहले कहा करता था कि वाद विवाद से बचो, वो खुद ही वाद विवाद में फंस जाएगा। नहीं मतलब ये मेरा मानना है कि जोशीमठ में एक्चुअली जो हुआ तो ये क्या हुआ एक्चुअली में, मैं उसके विषय में कुछ नहीं कहूँगा, उससे विषय में कुछ नहीं कहेंगे। अच्छा ठीक है, हम आपको बात भी नहीं करेंगे। तो फिर स्वामी जी आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत सुंदर आपने बात आपने शेयर की आपने हमारे दर्शकों से, तो आशा ये है कि अगले साल भी आपसे यहाँ मुलाकात होगा फिर से। अब ये तो मैं नहीं कह पाऊंगा क्योंकि आज का पता नहीं है और कल की हम बात करते हैं। अच्छा, ऐसा काम मैं नहीं करता। अच्छा भाई, अगर मेरे प्रब्ध में होगा तो मैं पहुंचूंगा, नहीं होगा तो जहाँ कहा में अन्न पानी होगा वहाँ पहुंचेंगे। क्या बात है, क्या बात है। तो स्वामी जी बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। तो जैसे आप अभी सुने थे स्वामी जी को, नागा साधु स्टैंडिंग बाबा, तो बाबा जी का ये मानना है बिल्कुल निडर होकर बात करते हैं, बिल्कुल किससे भी डरते नहीं है, जो अपने मन में आता है वही मन की बात सुनते हैं और वही संदेश वो समाज को देते हैं। बाबा जी का मानना है अगले साल क्या होगा मुझे तो पता नहीं, अगर प्रारंभ में होगा तो यहीं पर बिल्कुल वो आएंगे। तभी तो हम लोग अभी वहाँ पे लाइव कवरेज कर रहे हैं मालिका बरनी जो स्थान है जिसका नाम है खंडगिरी, खंडगिरी में हमारा टीम अभी पहुंचा हुआ है, अब हम कर रहे हैं लाइव कवरेज। तो हमें वर्तमान में लाइव कवरेज कर खंडगिरी रे मालिका बरन तो गुप्त पीठ एवं हमें ऊपर को जीव कौन सब अच्छी मालिका बरन स्थान कौन सब से रही गुफा मान सब रही देवसभा से अच्छी से आपणकर गुप्त गंगा रही आकाश गंगा रही माँ देवभूजा पीठ रही से सबको आम आप निकट में देखेबू कौन रही तार महात्मा से विषय बतेबू केमी लगला आज वीडियो केमी लगला स्टैंडिंग बाबा मत स्टैंडिंग बाबा जहाँ सन्देश समाज को आपण को केमी लगला कमेंट बक्स लिखु देखा हे आगामी अध्याय जय जगन्नाथ जय पंचशखा।